बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स टू लेक्चर नंबर टू ऑफ चैप्टर नंबर टू। एज डिस्क्राइब्ड अर्लियर इन लेक्चर नंबर वन दैट वी आर नाउ डिस्कसिंग द चैप्टर टू कल्चर विच इज पार्ट ऑफ नेशनल एनवायरनमेंट डिफरेंसेस विच इज पार्ट टू ऑफ आवर कोर्स। अंटिल नाउ वी हैव कवर्ड learning objectives from 1 to and now we are going to discuss the learning objectives number 3 and number 4 that is in lectures ke andar hum dekhenge ke kis tarah ke behavioral factors hain jo ke business practices ko affect karte hain। obviously wo different behavioral factors jo hain वो डिफरेंट कल्चर्स की वजह से होते हैं और फिर हम ये भी देखेंगे कि इन बिहेवियरल फैक्टर्स की वजह से आपको बिजनेस डिसीजन लेने में आपको अपनी स्ट्रेटजीज डिसाइड करने में किस तरह कॉम्प्लेक्सिटी का सामना करना पड़ता है। तो हमारा फोकस आज के लेक्चर में इन दो चीज़ों के ऊपर रहेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बिहेवियरल फैक्टर्स के मुतालिक हम देखते हैं कि कौन से बिहेवियरल फैक्टर्स हैं जो कि बिजनेस प्रैक्टिसेस को इफेक्ट करते हैं, किस तरह वो डिफर करते हैं डिफरेंट कल्चर्स के अंदर। बिहेवियरल फैक्टर्स की बात करें तो उनमें से सबसे पहला बिहेवियरल फैक्टर हमारे पास आता है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का। स्ट्रेटिफिकेशन बेसिकली द वर्ल्ड स्ट्रेटा, जो कि अगर आपको बिजनेस स्टैटिस्टिक्स याद हो तो स्ट्रेटा बेसिकली एक लार्जर पॉपुलेशन का स्मॉलर चंक होता है। सो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन बेसिकली किसी एक लार्जर सोसाइटी के अंदर पाए जाने वाले स्मॉलर एलिमेंट्स को कहा जाता है जो कि वेरी करते हैं सोसाइटी टू सोसाइटी। प्राइमरली दो उनके कंपोनेंट्स होते हैं सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के, या सोशल स्ट्रेटास जो बनते हैं वो दो प्राइमरी फैक्टर्स की बेसिस पे बनते हैं। सोसाइटीज आर डिफरेंट, कल्चर्स डिफर करते हैं इस बेसिस के ऊपर के कहीं पे इंडिविजुअल क्वालिफिकेशन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है और कुछ कल्चर्स ऐसे हैं जहाँ पे ग्रुप एसोसिएशन को ज़्यादा वैल्यू दी जाती है। इंडिविजुअल क्वालिफिकेशन बेसिकली रिप्रेजेंट करती है मेरिट बेस्ड कल्चर को, जहाँ पे किसी एक पर्सन की इंडिविजुअल अचीवमेंट्स जो हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं रादर देन कि वो किस ग्रुप से बिलोंग करता है, किस फैमिली से बिलोंग करता है, किस कास्ट से बिलोंग करता है। सो ऐसे कंट्रीज जहाँ पे मेरिट बेस्ड कल्चर एग्जिस्ट करता है, लाइक यूएसए की आप बात करें तो वहाँ पे किसी को जॉब देते हुए, किसी को प्रमोशन देते हुए इस चीज़ को देखा जाता है कि उसकी अपनी पर्सनल अचीवमेंट क्या है, जैसा कि उसके पास क्या क्वालिफिकेशन है, किस तरह के स्किल सेट्स हैं उसके पास, क्या वो डिफरेंटली दूसरों से प्रोड्यूस कर सकता है। तो इस तरह उसकी इंडिविजुअल क्वालिफिकेशंस को देखा जाता है। जबकि ईस्टर्न कंट्रीज़ की बात करें, अरब कंट्रीज़ की बात करें, पाकिस्तान इंडिया जैसे कंट्रीज की बात करें तो यस पर्सनल अचीवमेंट को देखा जाता है, लेकिन प्रेफरेंस दी जाती है कि जो पर्सन है वो किस सोशल क्लास से बिलोंग करता है, किस फैमिली से बिलोंग करता है, उसके पास रेफरेंस किसका मौजूद है। तो इस तरह ग्रुप एसोसिएशन की बेसिस के ऊपर वहाँ पे प्रेफरेंस दी जाती है। तो ये ग्रुप एसोसिएशन जो है ये फॉर्मुलेट होती है ऑन द बेसिस ऑफ आइदर एस्क्राइब्ड ग्रुप्स और एक्वायर्ड ग्रुप्स। तो एस्क्राइब्ड ग्रुप्स जो होते हैं उनको अगर हम डिफाइन करें तो एस्क्राइब्ड ग्रुप्स वो होते हैं जो कि आप बाय बर्थ अपनी फैमिली टाइज की वजह से जिनका हिस्सा बनते हैं। एस्क्राइब्ड ग्रुप्स ऐसे नहीं है जिनको आप खुद चूज करते हैं बल्कि वो आपके लिए डिसाइड किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जनाब, आप शेख फैमिली में पैदा हो गए, यू बिलोंग टू एन एस्क्राइब ग्रुप दैट इज शेख फैमिली, ठीक है। तो बाय बर्थ आप उसका हिस्सा बन गए।
इसी तरह जनाब आप पंजाब के अंदर पैदा हुए हैं तो बाय बर्थ यू आर पार्ट ऑफ पंजाबीज, ठीक है। तो ये कुछ ग्रुप्स होते हैं जो जिनमें आपकी चॉइस नहीं होती, बल्कि आप कहाँ पैदा हुए हैं ये इसकी बेसिस के ऊपर ऑटोमेटिकली आपके सोशल सर्कल का हिस्सा बन जाता है। ऑन द अदर एंड कुछ ऐसे ग्रुप्स होते हैं जिनको आप खुद चूज करते हैं, दे आर कॉल्ड एक्वायर्ड ग्रुप्स। उनके अंदर मोस्टली प्रोफेशनल बॉडीज आ जाती हैं, दैट मीन्स कि अगर आप एक डॉक्टर हैं तो चूंकि आपने MBBS किया है इसलिए आप डॉक्टर फैमिली का हिस्सा बन गए, यंग डॉक्टर एसोसिएशन का हिस्सा बन गए, ठीक है। इसी तरह आप किसी फैक्ट्री के अंदर जॉब कर रहे हैं तो आप अपनी मर्जी से किसी लेबर यूनियन का हिस्सा बन गए, आप अपनी मर्जी से किसी पॉलिटिकल पार्टी का वर्कर बन गए, तो ये एक्वायर्ड ग्रुप्स कहलाते हैं, ठीक है। तो इन एस्क्राइब्ड और एक्वायर्ड ग्रुप्स की बेसिस के ऊपर डिफरेंट सोशल स्ट्रेटास बनते हैं किसी भी एक कल्चर के अंदर। जैसा कि कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल लिखी हुई हैं, एथनिक एंड सोशल ग्रुप्स हैं, जेंडर बेस्ड ग्रुप्स हैं, एज बेस्ड ग्रुप हैं, फैमिली ग्रुप्स हैं, तो ये कुछ ग्रुप्स बनते हैं। जाहिर बात है अगर किसी कल्चर के अंदर ग्रुप एसोसिएशन को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है तो ऑटोमेटिकली यू हैव टू एज अ बिजनेस मैनेजर फोकस ऑन द ग्रुप्स जो के उस कल्चर के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, एंड देन यू हैव टू अंडरस्टैंड द डायनामिक्स ऑफ दोज ग्रुप्स और उनका आपस का इंटरेक्शन। फिर आपको एज अ बिजनेस मैनेजर ये देखना पड़ेगा कि किस ग्रुप को सपोर्ट करने में आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। अगर आप इंडिविजुअल क्वालिफिकेशन वाले किसी कल्चर के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं जहाँ पे मेरिट को तरजीह दी जाती है तो फिर आपके लिए बिजनेस डिसीजंस रादर इजी हो जाते हैं, ठीक है। आपको इन चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करना पड़ता, आपका फोकस इंडिविजुअल क्वालिफिकेशन के ऊपर ही होता है। लेकिन जहाँ पे आपके कल्चर्स के अंदर ग्रुप एसोसिएशन पार्ट एंड पार्सल बन जाए वहां पे आपके बिजनेस डिसीजन जो है वो जरा कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, आपको देखना पड़ता है, आपको डिफरेंट ग्रुप्स को अपने साथ लेकर चलना पड़ता है और उसके अकॉर्डिंगली अपने बिजनेस डिसीजन जो हैं वो फॉर्मुलेट करने पड़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास बिहेवियरल कंपोनेंट आता है वर्क मोटिवेशन का, कि कौन से फैक्टर्स हैं जो लोगों को वर्क के लिए मोटिवेट करते हैं। अगेन ये कल्चर टू कल्चर वेरी करेगा, डिफरेंट कल्चर्स के अंदर डिफरेंट मोटिवेटिंग फैक्टर्स होते हैं जो लोगों को वर्क के लिए मोटिवेट करते हैं। सबसे पहले उसके अंदर रोल ऑफ मटेरियलिज्म आ जाएगा, डिपेंडिंग ऑन कि आपके कल्चर के ऊपर आपके रिलीजन की ग्रिप कितनी स्ट्रोंग है उसकी बेसिस के ऊपर देखा जाएगा कि मटेरियलिज्म आपके कल्चर के अंदर कितनी इम्पोर्टेंस रखता है। मोस्टली वो कल्चर जहाँ पे रिलीजन का होल्ड नहीं है या विदाउट रिलीजन वो ऑपरेट करते हैं, ऐसे कंट्रीज के अंदर मटेरियलिज्म एक प्राइमरी मोटिव होता है वर्क करने का, ठीक है। जाहिर बात है हर बंदा ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना चाहता है, हर बंदा बेटर करियर ऑप्ट करना चाहता है, उसके लिए रिलीजियस टाइज इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है, सो वो अपने लिए ज्यादा फोकस करता है। सो वो वर्क इसलिए करता है ताकि अपना करियर बेहतर कर सके, ज्यादा पैसा अर्न कर सके। ऑन द अदर एंड ऐसे कल्चर जहाँ पे रिलीजन का होल्ड ज्यादा है वहाँ पे रिलीजियस प्रीचिंग्स की वजह से लोग पैसे को करियर को लेस इम्पोर्टेंस देते हैं और दूसरे फैक्टर्स को फैमिली टाइज हो गई, सॉरी रिलीजियस इबादत हो गई, उन चीज़ों को ज्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, ठीक है। तो वहाँ पे वर्क मोटिवेशन जो है वो डिफरेंट होती है। वहाँ पे शायद कोई इसलिए काम कर रहा है कि उसको उसको अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है, वो इसलिए काम कर रहे हैं कि उनके रिलीजन ने उनके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन की रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली हुई है और वो उसको पूरा करना चाह रहे हैं। सो मोटिवेशन वहां भी एग्जिस्ट करती है जहाँ पे रिलीजन है, लेकिन वहां पे मोटिवेशन का फैक्टर मुख्तलिफ है, ठीक है। दैट इज नॉट अर्निंग, ठीक है। जाहिर बात है आप जहाँ पे वो कल्चर जहाँ पे मटेरियलिज्म इम्पोर्टेंट है वहां पे आपको जब आप डिसाइड कर रहे हैं अपने
ह्यूमन रिसोर्स की पॉलिसीज, वहाँ पे आपको ऐसे पर्क्स रखने पड़ेंगे जो मटेरियलिस्टिक हों, ठीक है। आपको वहाँ पे बोनसेस देने पड़ेंगे, आपको वहाँ पे सैलरी राइज ज़्यादा देनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पे लोगों के लिए पैसा मेन फैक्टर है। ऑन द अदर एंड वो जो रिलीजियस हैं, वहाँ पे चूंकि लोगों का ज़्यादा फोकस फैमिली को सपोर्ट करने की तरफ है, तो वहाँ पे आपको ऐसे बेनिफिट्स ऑफर करने पड़ेंगे जो फैमिली सपोर्ट में आते हों, ठीक है। आपको ओल्ड एज बेनिफिट देने पड़ेंगे, रिटायरमेंट बेनिफिट ऑफर करने पड़ेंगे, फैमिली इंश्योरेंस, ग्रुप इंश्योरेंस, इस तरह के फैक्टर्स आप देंगे तो लोग मोटिवेट होंगे। सो आपका जो बिजनेस स्ट्रेटजीज हैं, आपकी जो ओरिएंटेशन है, वो ऑल टुगेदर डिफर करेगी। सेकंड मोटिवेशन फैक्टर आता है जी, प्रोडक्टिविटी लेयर ट्रेड ऑफ का। कुछ कल्चर्स ऐसे हैं जहाँ पे लोग ज़्यादा टाइम अपना स्पेंड करते हैं काम के लिए, वो ज़्यादा वर्क ओरिएंटेड होते हैं। आप यूएसए की एग्जांपल ले लें, ऑस्ट्रेलिया की एग्जांपल ले लें, आप यूके की एग्जांपल ले लें, ये वो कल्चर्स हैं जहाँ पे लोग काम करने को इम्पोर्टेंस देते हैं। ये वो कल्चर्स हैं कि जहाँ पे आप लोगों को अगर इवन घर बैठ के बिठा के खिलाने की कोशिश करेंगे तो वो उसको माइंड करेंगे। वो ऐसे लोग हैं जो खुद से काम करना चाहते हैं। ऑन द अदर एंड ईस्टर्न कल्चर्स की बात करें तो यहाँ पे लेयर को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। यहाँ पे आप लोगों को ऑफर करेंगे कि जी आप घर पे बैठ के खाएं तो वो इसको ज़्यादा पसंद करेंगे, ठीक है। यहाँ पे लोग काम बाय फोर्स ज़्यादा करते हैं और अपनी मर्जी से कम करते हैं। इवन इफ जहाँ पे वो काम कर रहे हैं वहाँ भी वो अपने काम के आवर्स के अंदर लेयर चाहते हैं, आराम चाहते हैं। वो कंटिन्यूस काम करना पसंद नहीं करते कि जी 9 to 5 मैं बस सिर्फ काम 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 करूं, ऐसा नहीं है। ऐसे कल्चर्स के अंदर लोग चाहते हैं जी के 9 बजे हमने काम शुरू किया है, अच्छा जी 11 बजे फिर हमें टी ब्रेक मिले कि जहाँ पे हम थोड़ा बहुत गपशप कर सकें, 1:30-2 बजे जाके हमें लंच ब्रेक चाहिए, ठीक है, शाम को जाने से पहले फिर हमें कुछ थोड़ा बहुत रिलैक्सिंग चाहिए। तो यहाँ पे प्रोडक्टिविटी के अंदर आपको आवर्स देने पड़ते हैं उनको लेयर के। तो जब आप अपने ऑपरेशनल मैनेजमेंट में ऑर्गेनाइज कर रहे हैं वर्क को, असाइनमेंट्स को, तो आपको देखना पड़ेगा कि कल्चर की प्रेफरेंस क्या है। अगर कल्चर के अंदर प्रोडक्टिविटी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है तो आप विदाउट एनी इंटरवल्स वर्क आवर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पे लेयर को प्रेफरेंस दी जाती है वहाँ पे आपको इंटरवल्स देने पड़ेंगे, टी ब्रेक्स इंट्रोड्यूस करवानी पड़ेंगी, सो दैट कि लोग जो हैं वो कंटिन्यूस वर्किंग की वजह से फेड अप ना हो जाए, ठीक है। इसी तरह जो आप वर्क एनवायरनमेंट देंगे वो आपको देखना पड़ेगा। ऐसे कल्चर जहाँ पे प्रोडक्टिविटी फोकस है वहाँ पे आप लोगों को सिंगल कैबिन्स के अंदर अकेले अकेले बिठाएंगे तब भी वो काम कर रहे हैं। आप उनको एक ही टेबल पे साथ साथ चेयर्स बगैर किसी सेग्रीगेशन के दे देंगे, वो तब भी काम कर रहे होंगे, ठीक है। ऑन द अदर एंड वो कल्चर जहाँ पे लेयर को प्रेफरेंस दी जाती है, आप उनको कैबिन में बिठाएंगे तो वो कुछ काम कर रहे होंगे क्योंकि उनका इंट्रैक्शन ब्रेक हो रहा है, लेकिन अगर आप उनको एक ही टेबल पे साथ साथ चेयर दे के बिठा रहे हैं तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम आपस में बातें करने में स्पेंड करेंगे रादर देन वर्किंग ऑन देयर असाइनमेंट्स। तो आपको वर्क प्लेस सेटिंग उसके अकॉर्डिंगली सेट करनी पड़ेगी जैसा कि कल्चर होगा। देन वर्क मोटिवेशन डिपेंड करती है एक्सपेक्टेशन ऑफ सक्सेस एंड रिवॉर्ड के ऊपर। ये अगेन कल्चर टू कल्चर वेरी करता है। ऐसे कल्चर जहाँ पे लोग सक्सेस और रिवॉर्ड को ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं वहाँ पे काम करने का मोटिवेशन ज़रा ज़्यादा होती है, ठीक है। मोस्टली ये कल्चरल फैक्टर्स से ज़्यादा इकोनॉमिक फैक्टर्स के साथ रिलेट करता है, बट इवेंचुअली इकोनॉमिक फैक्टर्स आपकी कल्चरल प्रैक्टिसेस को इस्टेब्लिश करते हैं। अगर हम ऊपर वाली एग्जांपल में बात करें जहाँ के वो कल्चर जहाँ पे प्रोडक्टिविटी का फोकस ज़्यादा है,
तो ये वो कल्चर्स हैं जहाँ पे सक्सेस एंड रिवॉर्ड का कल्चर है। ठीक है, आप जो कोई अपनी असाइनमेंट को पूरा कर रहा है आप उसको फौरी तौर पे रिवॉर्ड प्रोवाइड करते हैं, तो इसलिए वो लोग ज्यादा काम करने की तरफ फोकस करते हैं। ऑन द अदर हैंड आप पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पे आप अपना टास्क पूरा करेंगे आपको रिवॉर्ड मिलेगा, लेकिन शायद कोई काफी देर गुजरने के बाद। ठीक है, आप जनाब अपनी असाइनमेंट कंप्लीट करके सबमिट करवाते हैं, आपका बोनस आ रहा है 6 माह के बाद। ठीक है, आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म किया, ईयर एंड पे आपको बोनस मिलना चाहिए था, वो ईयर एंड की बजाय आपको 3 माह के बाद मिल रहा है। तो यहाँ पे आपके सक्सेस और आपके रिवॉर्ड के अंदर एक थोड़ा सा गैप एग्जिस्ट करता है, सो वो आपके मोटिवेशन लेवल को ऑटोमेटिकली लोअर लेवल पे ले जाता है। सो कल्चरली कंट्रीज डिफर करते हैं कि वहां पे सक्सेस और रिवॉर्ड कितना क्विकली रिस्पॉन्ड किया जाता है। देन आपकी वर्क मोटिवेशन डिपेंड करती है जी परफॉर्मेंस एंड अचीवमेंट के ऊपर। परफॉर्मेंस एंड अचीवमेंट जो है वो डिपेंड करती है फर्दर मैस्कुलिनिटी फेमिनिटी इंडेक्स के ऊपर। ठीक है, मैस्कुलिनिटी फेमिनिटी इंडेक्स बेसिकली एक ओवरऑल दुनिया के तमाम मुल्कों को इवेल्युएट करता है, एक स्केल है जिसकी बेसिस के ऊपर देखा जाता है कि कौन सा कंट्री कितना मैस्कुलिन है, यानी कि वहां पे मर्दाना ट्रेड कितना एग्जिस्ट करता है। ठीक है, मर्दाना ट्रेड को अगर इलेबरेट करो मैस्कुलिन ट्रेड को, तो दैट सजेस्ट के वहां पे लोगों की गलतियों को कितना टॉलरेट किया जाता है, उनके साथ सिंपथी कितनी शो की जाती है, ये इस पर डिपेंड करता है। वो कंट्री जो मैस्कुलिन लेवल जिनका हाई है वहां पे गलतियों को टॉलरेट करने का कल्चर एग्जिस्ट नहीं करता, वहां पे सिंपथी एग्जिस्ट नहीं करती। तो वहां पे अगर आप फेलियर का शिकार हो रहे हैं यू विल बी क्विकली किक्ड आउट ऑफ द जॉब। ठीक है, आपको फौरी तौर पे निकाल दिया जाएगा। ऑन द अदर हैंड वो कंट्रीज जहाँ पे फेमिनिटी इंडेक्स ज्यादा है वहां पे कंपनीज आपके साथ सिंपथीज रखती हैं, तो वहां पे अगर आप फेलियर का शिकार हो रहे हैं तो आपको क्विकली जॉब से नहीं निकाला जाएगा, बल्कि आपको शायद ऐसी जगह पे मूव कर दिया जाएगा जहाँ पे असाइनमेंट्स जरा कम है, जरा कम टेक्निकल काम है, लेकिन आपको निकाला नहीं जाएगा। ठीक है, तो इस लिहाज से देखा जाए तो कंट्रीज वेरी करती हैं। तो ऑटोमेटिकली ऐसे कंट्रीज जहाँ पे मैस्कुलिनिटी इंडेक्स ज्यादा है वहां पे आपकी वर्क मोटिवेशन लेवल हायर होता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है आप काम करेंगे आपको रिवार्ड भी उतना अच्छा मिलेगा, नहीं करेंगे तो उतनी ही जल्दी आप काम से निकाल भी दिए जाएंगे। सो बाय थ्रेट आप काम करते हैं। ऑन द अदर एंड जिन कंट्रीज के अंदर फेमिनिटी इंडेक्स ज्यादा है वहां पे वर्क मोटिवेशन अ लिटिल बिट लोअर होती है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जी अच्छा अगर असाइनमेंट टाइमली पूरी नहीं भी करेंगे तो आपको कोई ना कोई रिलैक्सेशन मिल जाएगी। ठीक है, आप जस्ट टेक योर एग्जाम्पल के अगर आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर हम टीचर्स आपको रिलैक्सेशन दे रहे हैं, आपके साथ सिंपथी दिखा रहे हैं कि हाँ भी किसी स्टूडेंट का प्रॉब्लम होगा तो इसलिए हम लेट असाइनमेंट एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो ये एक कल्चर फॉर्मुलेट कर देता है, आपको एक हैबिट बन जाती है कि अच्छा जी पता ही है टीचर ने एक आधा दिन रिलैक्स कर देना है, सो व्हाई शुड यू फोकस ऑन कंप्लीटिंग योर असाइनमेंट इन टाइम। ठीक है, ऑन द अदर एंड अगर इसी यूनिवर्सिटी के अंदर ये कल्चर ले आया जाए कि जनाब आपका टीचर आपके साथ किसी किस्म की सिंपथी नहीं करता, आप कोई भी जाके रीजन बताते हैं जी कि लाइट चली गई थी, ये हो गया था, वो हो गया था, इस वजह से मैं असाइनमेंट कंप्लीट नहीं कर सका, एंड द टीचर स्ट्रेट फॉरवर्ड रिजेक्ट्स योर असाइनमेंट, सो ऑटोमेटिकली आहिस्ता आहिस्ता आपका एक कल्चर फॉर्मुलेट हो जाएगा कि आपको पता होगा कि जी किसी टीचर ने आपको कोई रिलैक्सेशन नहीं देनी, तो यू हैव टू कंप्लीट योर असाइनमेंट इन टाइम, यू हैव टू सबमिट इट इन टाइम नो मैटर व्हाट। ठीक है, तो आप ऑटोमेटिकली उसके लिए फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे काम करेंगे। ठीक है, तो कीप इट माइंड कि आप अगर बिगड़ रहे हैं तो उसके अंदर अनफॉर्चुनेटली हमारा भी कुछ ना कुछ हाथ होता है। ठीक है, लेकिन ये काफी हद तक हमारे कल्चर का हिस्सा है, हमारे कल्चर के अंदर सिंपथीज शो करना एक हैबिट है, तो वो सिंपथीज आपको थोड़ा बहुत स्पॉइल कर रही होती है। देन
हायरार्कीज ऑफ नीड, इसको तो आई डोंट थिंक के एक्सप्लेन करने की जरूरत है। वर्क मोटिवेशन आपकी डिपेंड करती है कि आप नीड थ्योरी के अकॉर्डिंगली किस हायरार्कल लेवल के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं, और फिर हायरार्की ऑफ नीड कल्चर टू कल्चर वेरी करेगी। ठीक है, जो आपकी बेसिक नीड्स हैं वो हर कल्चर में सेम नहीं है। ठीक है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हर कल्चर के अंदर एक तरह से डिफाइन नहीं की जाती। सो कल्चर टू कल्चर आपकी हायरार्कीज ऑफ नीड डिफर करेंगी, और उन हायरार्कीज ऑफ नीड के अकॉर्डिंगली आप अपनी वर्क मोटिवेशन के ऊपर फोकस कर रहे होंगे। थर्ड फैक्टर बिहेवियरल फैक्टर जो है, दैट इज रिलेशनशिप प्रेफरेंसेस। डिपेंड करता है कि आपके कल्चर के अंदर रिलेशनशिप को किस तरह इम्पोर्टेंस दी जाती है या किस तरह परसीव किया जाता है वर्क सेटिंग के अंदर। उसके अंदर पहली आ जाती है पावर डिस्टेंस। पावर डिस्टेंस बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं कि आपका अपने सुपीरियर के साथ रिलेशनशिप कैसा है। वो कंट्रीज जहाँ पे पावर डिस्टेंस ज़्यादा है वहाँ पे एम्प्लॉयज प्रेफर करते हैं कि बॉस से जितना दूर रहा जाए उतना अच्छा है, और जहाँ पे पावर डिस्टेंस कम है वहाँ पे बॉसेस जो हैं वो बॉस बन के रहने की बजाय अपने आप को लीडर्स के तौर पर रिप्रेजेंट करते हैं और वो टीम का हिस्सा बन के उनके साथ काम करते हैं। आप ये छोटी सा एक वीडियो क्लिप है, इसको देखें। ये आपको शॉर्ट क्लिप के जरिए लैबोरेट कर रहा है कि पावर डिस्टेंस किस तरह इफेक्ट करता है। Oh, is everything okay there? You sound distressed. Well, it appears our new manager, Miss Chen, has sent me a friend request on Facebook. Okay? Okay? Isn't it a bit awkward? She's the boss. It's not like I can refuse her friend request. You and I are friends on Facebook. I don't see what the big deal is. Yes, but you and I are colleagues. You're not my superior. It's intimidating. Do you tend to be formal or informal when dealing with a higher-ranking individual? In high-power distance societies, relationships between authority figures and their subordinates can be very formal or hierarchical. In low-power distance societies, interactions between authority figures and their subordinates can be friendlier or more relaxed. Gina is very friendly. I think you're worrying too much. Maybe use a filter if you don't want her to see your full profile. Who's Gina? Miss Chen. Gina is a first name. You call her by her first name? What now? Miss Chen's following me on Twitter now too! I think you'll just have to get used to being connected to your boss on social media. So, वो कंट्रीज जहाँ पे पावर डिस्टेंस ज्यादा है वहां पे आपका एम्प्लॉय डिसकंफर्टेबल फील करेगा अगर आप उसके साथ फ्रेंडली होने की कोशिश करोगे। ऑन द अदर एंड वो कंट्रीज जहाँ पे पावर डिस्टेंस कम है, ऐसे कंट्रीज में आप अपने एम्प्लॉय के साथ फ्रेंडली होंगे, वो कंफर्टेबल फील करेगा। तो आपको अपनी मैनेजमेंट प्रेफरेंस, मैनेजमेंट स्टाइल जो है वो कल्चर को देखते हुए ऑप्ट करने की जरूरत होती है। रिलेशनशिप प्रेफरेंस में ही दूसरा कंपोनेंट इंडिविजुअलिज्म वर्सेस कलेक्टिविज्म का है। कुछ कल्चर्स ऐसे हैं जहाँ पे इंडिविजुअलिज्म का ट्रेंड है और कुछ ऐसे कल्चर्स हैं जहाँ पे कलेक्टिविस्ट सोसाइटी एग्जिस्ट करती है। इनके डिफरेंस के लिए अगेन इस शॉर्ट क्लिप को देखिए। Individualism or collectivism? Do you define yourself as an I or a we? In considering cultural dimensions or attributes, individualism, the I, is a preference for independence and self-reliance. As an individual, you are expected to take care of yourself and your immediate family, but you have no obligations to a larger community.
Cultures which focus on individualism celebrate the accomplishments of a person rather than a group. For example, does your employer single out an employee of the month? Employees from that background, the I background, might more naturally seek to advance their own interests within the job rather than that of the entire organization. Australia, the US, the UK are all individualist cultures emphasizing the obligations of the individual's human rights, the individual's personal responsibilities. Are you familiar with the saying, the squeaky wheel gets the grease? This comes from cultures focusing on that individual. By contrast, other cultures on the other end of the spectrum, such as China or Pakistan or Venezuela or Ghana, the group is of paramount importance. This is collectivism. An individual is expected to be loyal to that group and not advance his or her own personal interests at the expense of the group. To operate outside the interests of the group is considered downright shameful, both to the individual and that group, whether family or work-based. In fact, in Japan, a collectivist culture, unlike the squeaky wheel, the nail that sticks up will be hammered down. In a workplace favoring collectivism, relationships at work are considered to be family-like. The employer offers protection in exchange for loyalty. An employee with poor skills would not be dismissed, but probably moved to another position. On the other end of the spectrum, employers and employees favoring individualism see the work relationship strictly as business. An employer reasonably may terminate an employee for poor performance, and a successful employee will frankly consider accepting a better pay offer from a competitor. These contrasting values can seriously impair communication and expectations at work. So which are you? Are you an I or are you a we? And what's your employer? So, जब आप इंटरनेशनल एनवायरनमेंट में ऑपरेट कर रहे हैं, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जिस कंट्री में आप ऑपरेट कर रहे हैं वहाँ पे इंडिविजुअलिज्म एग्जिस्ट करती है या कलेक्टिविज्म, ठीक है, क्योंकि आपकी मैनेजमेंट प्रेफरेंस ऑल टुगेदर डिफरेंट होगी दोनों किस्म के रिलेशनशिप प्रेफरेंस के लिए। कलेक्टिविज्म के अंदर आपको फोकस करना पड़ेगा ग्रुप डायनेमिक्स के ऊपर, आप ग्रुप्स को कंट्रोल करेंगे। ऑन द अदर एंड इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी के अंदर आपको फोकस करना पड़ेगा सिंगल पर्सन के ऊपर, आपको असाइनमेंट्स इस तरह के डिजाइन करनी पड़ेंगी कि जहाँ पे एक बंदा अपने करियर को प्रमोट होता देख सके, अपनी अकम्पलिश को चेक कर सके। तो आपके ऑल टुगेदर मैनेजमेंट प्रेफरेंस डिफरेंट होगी दोनों किस्म के कल्चर्स के लिए। Then another important aspect, a component of behavioral factors is risk-taking behavior. Countries greatly differ on risk-taking behavior. There are countries which are act on uncertainty avoidance. Countries vary with respect to how high is their uncertainty avoidance. In some cultures where uncertainty avoidance is high, those cultures normally prefer to stick to old rules, old practices, and they do not want to change things. On the other hand, those countries, those cultures where uncertainty avoidance is low, they want to try newer things, they want to follow their hearts. So, ऐसे कंट्रीज के अंदर एडवेंचर के सेंस एग्जिस्ट करती है। सो ऑब्वियसली जब आप नई पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो वो कंट्रीज जहाँ पे अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस लेवल हाई है वहाँ पे आपकी नई पॉलिसीज को रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा। ऑन द अदर एंड जहाँ पे अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस लो है वहाँ पे किसी किस्म का प्रॉब्लम शायद ना हो आपको और इजीली आप अपनी नई पॉलिसीज इम्प्लीमेंट कर लें, ठीक है। तो आपको देखना पड़ता है कि कल्चरली लोग किस तरह के हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप चीज़ों को टैकल करते हैं। ऑब्वियसली अगर आप एक नई पॉलिसी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और
लोगों का बिहेवियर अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस हाई है, तो आपको पहले लोगों को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, अपने एम्प्लॉयज को, अपने लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा कि जो नई पॉलिसीज आ रही हैं वो उनके लिए फ़ायदा मंद हैं। आपको सेशंस अरेंज करने पड़ेंगे, आपको ट्रेनिंग्स अरेंज करनी पड़ेंगी, आपको इलेबरेटिवली उनको बताना पड़ेगा किसका क्या बेनिफिट है, तब जाके उनके अंदर कहीं एक्सेप्टेंस का लेवल आएगा। ऑन द अदर एंड अगर आप लो अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस कंट्री के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, आपको जस्ट नए रूल्स इंप्लीमेंट करने हैं, अ लिटिल बिट उनके मतलब गाइडलाइन देनी है कि किस तरह वो इम्प्लीमेंट होंगे, और लोग ईजिली उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे लोगों का बिहेवियर एक्सेप्टेंस का है। सिमिलरली ट्रस्ट लेवल की बेसिस के ऊपर कल्चर डिफर करते हैं। वो कल्चर जहां पर ट्रस्ट लेवल हाई है, मोस्टली वो बेसिकली ये वही कल्चर्स हैं जहां पे रिलीजियस फैक्टर्स ज्यादा हैं, जहां पे कलेक्टिविज्म एग्जिस्ट करता है। तो ऐसे कंट्रीज के अंदर ऑटोमेटिकली ऐसे कल्चर्स के अंदर ट्रस्ट लेवल हाई होता है। ऐसे कल्चर्स के अंदर आपको बिजनेस ऑपरेट करना रिलेटिवली ईजी होता है। क्यों? क्योंकि लोग इजीली आप पे ट्रस्ट प्लेस करते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा नीति ग्रिटिस के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं होती, आपको बहुत ज़्यादा प्रोसीजर्स को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं होती। लोग आप पे ट्रस्ट करते हुए ही बहुत सारे प्रोसीजर्स को ले ऑफ कर देते हैं और आप इजीली अपना काम परफॉर्म कर सकते होते हैं। ऑन द अदर एंड वो कंट्रीज जहाँ पे ट्रस्ट लेवल लो होता है, वहाँ पे आपको प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना पड़ता है, प्रोसीजर्स को फॉलो करना पड़ता है, अपना ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ता है, प्रूव करना पड़ता है कि आप जो है वो किसी किस्म की हैंकी पैंकी करने के लिए नहीं आए, तब जाके लोग आपको आपके साथ बिजनेस डीलिंग करने के लिए तैयार होते हैं। तो कंपैरेटिवली ऐसी जगहों पे बिजनेस ऑपरेट करना मुश्किल होता है। कंटिन्यूइंग विद रिस्क टेकिंग बिहेवियर, देयर इज फ्यूचर ओरिएंटेशन। फ्यूचर ओरिएंटेशन बेसिकली रिप्रेजेंट करती है कि किसी सोसाइटी के अंदर लोगों का बिहेवियर क्या है। जो ज़्यादा फ्यूचर ओरिएंटेड कंट्रीज होते हैं वहाँ पे लोग अपने आज के बेनिफिट को सेक्रीफाइस करने को तैयार होते हैं अगर उनको फ्यूचर बेनिफिट हायर मिल रहा हो। ठीक है, तो ऐसे कंट्रीज के अंदर आपको रिटायरमेंट प्लान्स अच्छे बिल्ड करने पड़ते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस आपको अच्छी बिल्ड करनी पड़ती हैं, आफ्टर रिटायरमेंट बेनिफिट्स आपको ज़्यादा बेहतर बनाने पड़ते हैं। ऑन द अदर एंड वो कंट्रीज जहाँ पे फ्यूचर ओरिएंटेशन का फोकस कम है, वहाँ पे लोग अपने आज के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं कि आज उन्हें क्या बेनिफिट मिल रहा है। तो वहाँ पे आपका ऑब्वियसली फोकस जो है वो सैलरीज की तरफ, बोनसेस की तरफ, इन चीज़ों की तरफ होता है। तो ऑटोमेटिकली लोगों की जो ओरिएंटेशन है उसके चेंज होने से आपके भी बिजनेस डिसीजन चेंज हो जाते हैं। देन फेटलिज्म एक और रिस्क टेकिंग बिहेवियर है जो कि डिफाइन करता है लोगों के बिहेवियर को। फेटलिज्म ऐसे कंट्रीज जहाँ पे फेटलिज्म ज़्यादा है वो बिलीव करते हैं डेस्टिनी के ऊपर कि जी हर चीज़ पहले से लिखी हुई है, हम उसके अंदर क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे लोगों का बिहेवियर नई चीज़ों को ऑप्ट करने की तरफ, नई प्रैक्टिसेस की तरफ ज़रा वो उसको अवॉइड करते हैं। क्यों? क्योंकि वो पहले से ही ज़हन बना के बैठे हैं, हाँ जी ये ऐसे ही होना है, ऐसे ही चलना है। लोगों का जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकअप करने का एटीट्यूड नहीं होता ऐसी जगहों पे। तो वहाँ पे आप जब काम को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं आपको देखना पड़ता है कि आप लोगों को काम उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंगली दें, अदरवाइज आप उनको चैलेंजिंग काम देंगे तो शायद वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को सही तरह परफॉर्म नहीं करेंगे। ऑन द अदर एंड जो फेटलिस्टिक सोसाइटीज के अगेंस्ट चाहती हैं सेल्फ डिटर्मिंड सोसाइटीज, ये वो लोग हैं जो माई ओन डेस्टिनी के ऊपर बिलीव करते हैं।
ठीक है, वो लोग हैं जो कॉज एंड इफेक्ट के ऊपर बिलीव करते हैं, जो ये समझते हैं कि जनाब मैं जितनी ज्यादा काम करूंगा, मैं जितनी ज्यादा मेहनत करूंगा उतना मुझे रिवॉर्ड मिलेगा, उसके अंदर कुछ ये नहीं कि पहले से जो डिसाइड हो गया है उसको मैं चेंज नहीं कर सकता। अगर कुछ डिसाइड हुआ भी है अव्वल तो वो इस पर बिलीव नहीं करते कि देर इज अ फेट, सो अगर है भी तो मैं उसको चेंज करने की एबिलिटी रखता हूँ। सो ऑब्वियसली ऐसे कंट्रीज के अंदर आप लोगों को रिस्की असाइनमेंट दे देंगे तो वो उसको डिलीजेंटली परफॉर्म करने की एबिलिटी रखते होंगे। तो आपको देखना पड़ेगा कि लोगों का रिस्क टेकिंग बिहेवियर किस तरह का है, उसके अकॉर्डिंगली आपको वर्क असाइनमेंट अपनी डिसाइड करने की जरूरत होती है। फिफ्थ कंपोनेंट बिहेवियरल फैक्टर्स में आता है इंफॉर्मेशन एंड टास्क प्रोसेसिंग। लोग किस तरह इंफॉर्मेशन को टेक इन करते हैं और किस तरह उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं इसके मुतालिक, इसमें से फर्स्ट कंपोनेंट है परसेप्शन ऑफ क्यूज का, कि हम किस तरह चीज़ों को परसीव करते हैं, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन हम ले रहे होते हैं हमारे लिए वो उस तरह इंपॉर्टेंट होती है जैसे हम उसको परसीव कर रहे हैं, रादर देन वो एक्चुअल में क्या है। तो कभी भी कहीं भी ये हमारा एक बिहेवियरल फैक्टर है एंड इट इज कॉमन इन ऑल कल्चर कि हम जैसे चीज़ों को परसीव करते हैं वैसे उनको इंटरप्रेट करते हैं, उनको उनकी एक्चुअल फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर इवेल्युएट नहीं करते। सो चीज़ों को परसीव करना डिपेंड करता है कल्चर्स के ऊपर, और वो किस तरह कल्चर के ऊपर डिपेंड करता है ये इस वीडियो क्लिप के जरिए आपको नजर आएगा। The perception process. Perception is the process by which we attach meaning to the world around us. Our world consists of the people, experiences, and objects that influence us. We become aware of the world around us through our senses: sight, sound, smell, taste, and touch. Perception is unique to each person. No two people view the world exactly the same. No one can perceive 100% of all things at all times. The perception process consists of three stages: selection, organization, and interpretation. Selection. Selection is the first stage in the perception process. In this stage, we select stimuli to which we attend. We select the stimuli through our senses: sight, sound, smell, taste, and touch. Organization. Organization is the second stage in the perception process. In this stage, we mentally arrange the stimuli or information so we can understand or make sense out of the stimuli. Interpretation. Interpretation is the third stage in the perception process. In this stage, we attach meaning to the stimuli. Our interpretations are subjective and based on our values, needs, beliefs, experiences, expectations, involvement, self-concept, and other personal factors. You have completed the perception process. So, मैंने वो जो सर्कल बनाया उसका पर्पस था आपकी तवज्जो दिलाना कि आप अगर फोकस करें तो बिल्कुल एंड पे जहाँ पे वो इंटरप्रिटेशन की बात कर रहा है, तो इंटरप्रिटेशन के अंदर अगर आप देखें तो वो फैक्टर्स जो इंटरप्रिटेशन को इम्पैक्ट करते हैं वो सारे वो फैक्टर्स हैं जो कल्चर को फॉर्मुलेट करते हैं। सो बेसिकली हमारी इंटरप्रिटेशन, जो चीज़ भी हम ले रहे हैं, इंफॉर्मेशन जो भी हम ले रहे हैं, उसको हम उस तरह परसीव कर रहे हैं जैसा हमारा कल्चरल बैकग्राउंड है। अगर हमारा कल्चरल बैकग्राउंड कलेक्टिविज्म का है तो हम चीज़ों को ग्रुप पर्सपेक्टिव में देख रहे हैं कि ये हमारे लिए अच्छा है कि नहीं, हमारे ग्रुप के लिए। अगर हमारा इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर है तो हम उसे अपनी जात के लिए देख रहे हैं। सो चीज़ों को, इंफॉर्मेशन को परसीव करने का तरीक़ाकार मुख्तलिफ होता है मतलब कल्चर्स के अंदर। देन इंफॉर्मेशन
एंड टास्क प्रोसेसिंग का सेकंड पार्ट आता है ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन, लोग इंफॉर्मेशन किस तरह लेते हैं, रिसीव करते हैं, ये भी मुख्तलिफ होता है कल्चर टू कल्चर। उसमें कल्चर्स डिफर करते हैं हाई कल्चर, हाई कॉन्टेक्स्ट कल्चर्स और लो कॉन्टेक्स्ट कल्चर्स के अंदर। हाई कॉन्टेक्स्ट कल्चर्स जैसा कि जापान हो गया, सम अरब कंट्रीज हो गए, ये वो हैं जो कि डिटेल ओरिएंटेड होते हैं। इन कल्चर्स के अंदर लोग पहले आपकी ओवरऑल डिटेल के ऊपर फोकस करते हैं, फिर जो मेन डिस्कशन है उसका फोकस होता है। फॉर एग्जांपल अगर बिजनेस मैनेजर, हाई कॉन्टेक्स्ट कल्चर के बिजनेस मैनेजर आपके पास मीटिंग के लिए आ रहे हैं, तो वो जब मीटिंग के लिए बैठेंगे तो आपके जो पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन है वो उन पे फोकस बाद में करेंगे। पहले आपके मीटिंग का एनवायरनमेंट क्या है, टेबल कितनी साफ है, टेबल के ऊपर किस तरह की चीजें रखी हैं, एसी लगा हुआ है कि नहीं लगा, विंडो साफ है कि नहीं, सो वो पहले ओवरऑल एनवायरनमेंट को स्कैन करेंगे। उसके बाद वो फोकस स्टार्ट करेंगे उन पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन के ऊपर जो आप उनके साथ डिस्कस करने जा रहे हो। ऑन द अदर एंड जो लो कॉन्टेक्स्ट कल्चर्स हैं वो आएंगे, आके बैठेंगे, उनका फोकस शायद बिल्कुल भी नहीं होगा एनवायरनमेंट के ऊपर, बल्कि वो आपकी डिस्कशन जो पॉइंट्स आप उनके साथ डिस्कस कर रहे हैं उसके ऊपर फोकस कर रहे होंगे। और जब उनको टाइम मिलेगा, फ्री होंगे, तब वो देखेंगे कि हाँ जी ऑफिस का एनवायरनमेंट क्या है। तो ऑब्वियसली जो हाई कॉन्टेक्स्ट कल्चर्स हैं वहाँ पे आपको एनवायरनमेंट का ख्याल रखने की जरूरत होती है। अदरवाइज अगर आपका एनवायरनमेंट ही उनके लिए डिस्टर्बिंग है तो वो आपके पॉइंट्स के ऊपर सही तरह फोकस ही नहीं करेंगे, तो आपको इन चीजों का ख्याल रखने की जरूरत होती है। नेक्स्ट कंपोनेंट इज मोनोक्रोनिक वर्सेस पॉलीक्रोनिक कल्चर्स। मोनोक्रोनिक कल्चर्स ऐसे हैं कि जहां पे लोग बैक वक्त सिर्फ एक टास्क को परफॉर्म करते हैं, उसको कंप्लीट करके फिर उसके बाद दूसरे टास्क के ऊपर जाते हैं। ऑन द अदर हैंड पॉलीक्रोनिक कल्चर्स वो हैं जहां पे मल्टीपल टास्किंग होती है, ठीक है। तो मोस्टली एशियन कंट्रीज जो हैं वो सीक्वेंशियल टास्क प्रोसेसिंग के ऊपर काम करते हैं, वो पहले एक काम को पूरा करते हैं उसके बाद वो दूसरे काम के ऊपर फोकस करेंगे। सो ऑब्वियसली ऐसी जगहों पे आपको अपने जो वर्क प्लेस सेटिंग इस तरह बनाने की जरूरत होगी कि जहाँ पे लोगों के पास काम क्यूज में जाए। अगर आप बैक वक्त उनको मल्टीपल असाइनमेंट्स दे देंगे तो वो इससे डिससेटिस्फाइड हो जाएंगे और मोस्ट लाइकली वो उसके अंदर मिस्टेक्स करेंगे। ऑन द अदर एंड अगर आप मल्टीपल असाइनमेंट्स ऐसे कल्चर के लोगों को दे रहे हैं जहाँ पे आदत है, यूएसए की आप एग्जांपल लें तो वहाँ पे लोगों को आदत है मल्टीपल टास्किंग की, तो वो ऑटोमेटिकली मल्टीपल टास्किंग को परफॉर्म करने की एबिलिटी रखते होंगे। और ये एक ऐसा ट्रेट है जो कि ऐसा नहीं है कि कल्चर टू कल्चर बहुत ज़्यादा वेरी करता है, बल्कि बहुत सारे कल्चर्स ऐसे हैं कि जहाँ पे लार्जर पॉपुलेशन मोनोक्रोनिक है लेकिन देर इज अ चंक ऑफ पॉपुलेशन जो कि एट द सेम टाइम पॉलीक्रोनिक भी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप पाकिस्तान की अगर एग्जांपल लें तो यहाँ पे आप सरकारी मुलाजमीन के पास जाएंगे, सेक्रेटरीट में जाएंगे तो आप मोनोक्रोनिक कल्चर देखेंगे, वो आराम सुकून से बैठ के एक टास्क को परफॉर्म करेंगे उसके बाद दूसरे की तरफ चलेंगे। ऑन द अदर एंड आप बैंक्स में चले जाएंगे तो वहाँ पे पॉलीक्रोनिक कल्चर आपको देखने को मिलेगा, बैक वक्त वो मल्टीपल काम परफॉर्म कर रहे होंगे, वो वॉचेस भी बना रहे हैं, ईमेल्स को रिप्लाई भी कर रहे हैं, आने वाले कस्टमर की क्यूरीज को रिप्लाई भी कर रहे हैं, तो वो पॉलीक्रोनिक कल्चर के ऊपर काम कर रहे हैं। फर्दर इंफॉर्मेशन एंड टास्क प्रोसेसिंग के अंदर डिफरेंस आ जाता है सोसाइटीज के अंदर, आइडियलिस्टिक सोसाइटी वर्सेस प्रैग्मेटिस्टिक सोसाइटी। आइडियलिस्टिक सोसाइटी ये काफ़ी हद तक रिलेट करता है जो हमने पीछे हाई कॉन्टेक्स्ट कल्चर और लो कॉन्टेक्स्ट कल्चर देखा। आइडियलिस्ट कल्चर जो हैं वो हाई कॉन्टेक्स्ट कल्चर्स की तरह ही बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं
ऑन द अदर एंड प्रैग्मेटिस्टिक जो है वो प्राइमरी इंफॉर्मेशन के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं। डिफरेंस इन दोनों के अंदर ये है कि हाई कॉन्टेक्स्ट कल्चर ज्यादा हाई कॉन्टेक्स्ट लो कॉन्टेक्स्ट कल्चर का डिफरेंस रिलेट करता है एनवायरमेंटल वेरिएबल्स के साथ। ऑन द अदर एंड जो आइडियलिस्टिक और प्रैग्मेटिस्टिक अप्रोच है ये रिलेट करती है पर्सनल इंट्रैक्शन के ऊपर, ठीक है। वो किस तरह के पर्सनल इंट्रैक्शन में आप जब बात कर रहे हैं तो जो आइडियलिस्ट कल्चर है उनका फोकस आपके अल्फाज की बजाय आपके बिहेवियर के ऊपर, आपके लबोलहजे के ऊपर, इन चीज़ों के ऊपर होगा। ऑन द अदर एंड जो प्रैग्मेटिस्टिक कल्चर है वो आपके वर्ल्ड को फोकस इम्पोर्टेंस दे रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आइडियलिस्ट कल्चर के अंदर आपने किसी को कहा जी कि हम जनाब पूरे 4 बजे आपसे मीटिंग के लिए आ जाएंगे। अब यहाँ पे आपका फोकस था 4 बजे के ऊपर, तो उसने टाइम को इम्पोर्टेंस दी है। ऑन द अदर एंड आप अगर उसको उससे बात कर रहे हैं जी हम 4 बजे तक आ जाएंगे, तो जब आपका बेस जरा कैजुअल हो गया, बेशक आपने टाइम 4 बजे का ही दिया है लेकिन अब उसने अपने माइंड में ये बना लिया है कि जी 4 का मतलब 6 भी हो सकता है, ठीक है। तो वहां पे आपके टोन, आपका बिहेवियर, आपके अदायगी का तरीका का उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है रादर देन कि आप क्या कह रहे हैं। ऑन द अदर हैंड प्रैग्मेटिस्ट कल्चर के अंदर आप क्या कह रहे हैं उसको इंपॉर्टेंस दी जाएगी, आप कैसे कह रहे हैं इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाएगी। यूएसए के अंदर आप किसी को कहेंगे ओके आई विल ट्राई टू बी देयर बाय 4, ठीक है, इररिस्पेक्टिव कि आपने बड़ा कैजुअली 4 कहा है, वो 4 का मतलब 4 ही लेगा कि आप पूरे 4 बजे वहां पे मौजूद होंगे, ठीक है। ये एक डिफरेंस आता है सोसाइटी के अंदर। 6 कंपोनेंट हमारे पास आता है कम्युनिकेशन का, और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कम्युनिकेशन का। क्यों? क्योंकि कम्युनिकेशन कल्चरल एस्पेक्ट से एक तरफ आपका बहुत ज्यादा इंट्रैक्शन जो है वो कम्युनिकेशन आपकी कम्युनिकेशन के ऊपर डिपेंड करता है, बाकी एलिमेंट्स जो हैं वो शायद बाद में इफेक्ट करेंगे आपके कल्चर को, कम्युनिकेशन सबसे पहले करेगा, ठीक है। और कम्युनिकेशन सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग एलिमेंट भी है कल्चर के अंदर। क्यों? उसके लिए बेस्ट एग्जांपल पीके की, पीके मूवी की ये वीडियो है जिसके अंदर वो कम्युनिकेशन को एलैबोरेट कर रहा है। आपकी मेमोरी रिकॉल के लिए इसको दोबारा चलाऊंगा। यहां तो बोलते कुछ हैं पर मतलब कुछ और निकलता है, एक एक शब्द के चार चार मतलब। ऐसे मुंडी लाओ और बोलो अच्छा है अच्छा है, मतलब सब ठीक ठाक है, वेरी गुड। आंख बड़ी करके बोलो अच्छा है तो मतलब साख में है, तुम्हारी अम्मा का एक्सीडेंट हो गया, अच्छा साख। फिर गुस्सा आता है तो आवाज लौड हो जाती है, अच्छा हमको सिखा रिया है, अच्छा। और जब सोचते हैं तो लंबा वाला अच्छा अच्छा। शब्द के साथ साथ एक्सप्रेशन पर भी ध्यान देना पड़ता है, तब जाके बात समझ में आती है ससुरी। सो दैट इज द प्रॉब्लम विद कम्युनिकेशन, कि कम्युनिकेशन सिर्फ जो आप कह रहे हैं, जो आप बोल रहे हैं वो नहीं है, दैट इज नॉट जस्ट स्पोकन एंड रिटन लैंग्वेज, बट देयर इज आल्सो अफेक्ट ऑफ साइलेंट लैंग्वेज। आपके एक्सप्रेशंस भी मैटर करते हैं, बट साइलेंट लैंग्वेज इज नॉट जस्ट एक्सप्रेशन बट मच मोर देन दैट। आई मीन दोनों को देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले स्पोकन एंड रिटन लैंग्वेज की बात करें तो रिमेंबर दैट कि क्रॉस बॉर्डर कम्युनिकेशन में जो आप चीज़ों को इजीली ट्रांसलेट कर रहे हैं वो ट्रांसलेशन हमेशा एक जैसी नहीं होती। अगर आप पंजाबी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे तो उससे वर्ड्स जो हैं जो कॉन्नोटेटिव मीनिंग निकलेगा वो काफ़ी मुख्तलिफ होगा उससे जो आप बताना चाह रहे हैं, ठीक है। फिर आप उसको ट्रांसलेट कर रहे होंगे कि सड़क पर गोलियाँ चल रही थी और आप उसको लिख रहे होंगे टेबलेट्स आर वॉकिंग ऑन द रोड, ठीक है। सो ऑब्वियसली टेबलेट्स कैन नॉट वॉक ऑन द रोड। आपको
जब आप ट्रांसलेट कर रहे हैं दूसरी लैंग्वेज के अंदर, तो आपको उसके कॉनोटेटिव मीनिंग्स के ऊपर फोकस करने की जरूरत होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप इंग्लिश वर्ड ओल्ड की को ही लें, तो ओल्ड का मतलब फॉर्मर भी है कि पुराना, और उसका मतलब लॉन्ग स्टैंडिंग भी है कि बड़े लंबे अरसे से चल रहा है, और ओल्ड का मतलब बूढ़ा भी है, ठीक है। ऑब्वियसली जब आप वर्ड यूज कर रहे हैं आपको कॉनोटेशन का ज्ञान करने की जरूरत पड़ेगी कि आप किस कॉन्टेक्स्ट में क्या वर्ड यूज कर रहे हैं, ठीक है। फिर ऑब्वियसली ग्रामर जो है वो ऑब्वियसली हमारे स्टूडेंट से ज्यादा किसको पता होगा कि ग्रामर जो है वो एक बहुत ही जानलेवा चीज है जिसकी आज तक हमें समझ नहीं आई। यही वजह है कि हम सेंटेंस जो है वो पास्ट टेंस से शुरू करते हैं और उसको फ्यूचर इंडेफिनेट के ऊपर ख़त्म करते हैं, तो वो टीचर को भी समझ नहीं आ रही होती कि स्टूडेंट आज की बात कर रहा है, कल की बात, आने वाले कल की बात कर रहा है या गुजरे हुए कल की। सो ग्रामर के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत होती है अगर आप अपने कम्युनिकेशन को इफेक्टिव करना चाहते हैं। इस सिलसिले में कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि आपकी बुक के अंदर कंपाइल की गई हैं, और ये एक्चुअल एग्जाम्पल्स हैं जो कि उन्होंने डिफरेंट होटल्स से ली हैं। फ्रांस के एक होटल से उन्होंने कोट किया है जी, कि वो शायद कहना चाह रहे थे कि प्लीज़ लीव योर वैल्यूएबल्स एट द डेस्क, उसके बजाय उन्होंने जब ट्रांसलेट किया फ्रेंच से इंग्लिश में तो वो कुछ का कुछ बना दिया। इसी तरह मेक्सिको की एक एग्जाम्पल है जी, कि जहाँ पे मैनेजर जो ड्रिंकिंग वाटर को सेफ रिप्रेजेंट करने के लिए उन्होंने वर्ड लिखा हुआ है, द मैनेजर है पर्सनली पास्ड ऑल द वाटर सर्वड एयर। अब ये पढ़ के बंदा सोचे कि बड़ा विला मैनेजर है जी इनका, कि खुद पर्सनली उसने तमाम पानी जो है वो एक जगह से उठा उठा के दूसरी जगह पास करता रहा है। ओके, ये तो मैं कहूँगा कि दिस इज द एक्सट्रीम लेवल ऑफ ब्लंडर, ठीक है। वो शायद कहना चाह रहे थे कि जनाब जब बार में आ रही हैं लेडीज तो अपने साथ बच्चों को ना लेके आए, तो इंस्टेड दे व्हाट दे आर सेइंग नॉट टू हैव चिल्ड्रन, दे शुड हैव सब्स्टिट्यूट हेयर नॉट टू एकंपनी चिल्ड्रन इन द बार, बट द वर्ल्ड वन वर्ल्ड डिफरेंस जो है उसकी वजह से मीनिंग ऑल टुगेदर चेंज हो गया। और अब जाहरी बात है वो बार के अंदर अगर बच्चे पैदा कर रहे हैं तो ये जाहरी बात है होटल वालों के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। देन अनदर एग्जांपल, आई मीन आर यू गोइंग टू रियली एग्जीक्यूट योर कस्टमर्स, इट इज ग्रीस और इज इट रशिया, जहाँ पे आप एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं अपने कस्टमर्स को, और वो भी रोटेशन के अंदर। तो जहाँ पे कस्टमर्स को रोटेशन में एग्जीक्यूट किया जा रहा है वहाँ पे कोई कस्टमर होटल में क्यों जाएगा, ठीक है। दीज आर जस्ट सम एग्जांपल्स कि अगर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड अपनी लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करेंगे तो ऐसे ब्लंडर्स होंगे, इनको अगर आप अवॉइड करना चाहते हैं तो इनको अवॉइड करने के लिए आपको सर्टन चीज़ों का ख्याल रखने की ज़रूरत है। सबसे पहले जो लोग ट्रांसलेट कर रहे हैं उनका बैकग्राउंड ज़रूर देख लें कि क्या उनमें ट्रांसलेट करने की एबिलिटी है, ये भी देख लें कि वो बिजनेस कॉनोटेशंस को सही तौर से समझ सकते हैं कि नहीं समझ सकते, टेक्निकल वोकैबुलरी है उनके पास कि नहीं है। फिर जब आप रिटन में आ रहे हैं तो मेक श्योर कि जनाब आप अपने फाइनल मैसेज आपका वही मीनिंग दे रहा हो जो आप एक्चुअल कहना चाह रहे हैं। उसका एक आसान तरीका होता है कि आप जो ट्रांसलेटेड है उसको वापस अपनी ओरिजिनल लैंग्वेज में किसी और से ट्रांसलेट करवाएं, अगर वो सही ट्रांसलेट हो रहा है तो उसका मतलब है कि वो ठीक है, ठीक है। फिर जनाब ये भी देखें कि आपके जो टोन है बोलने की वो जनाब ठीक है कि नहीं, आपकी रिटन टोन ठीक है कि नहीं। जाहिर बात है अगर टोन के ऊपर फोकस कर रहा है अगला बंदा तो आपके सारे कम्युनिकेशन का मतलब मुख्तलिफ हो जाएगा, ठीक है। फिर ऑब्वियसली जहाँ कहीं मुमकिन हो सिंपलर वर्ड यूज करें, और इम्पोर्टेंटली जब आप एक से दूसरी लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट कर रहे हैं और स्पेसिफिकली अगर आप स्पोकन लैंग्वेज स्पोकन कम्युनिकेशन में हैं तो मेक श्योर कि आप डिफरेंट वर्ड यूज कर करके
चीजों को कंफर्म करें कि अगला वही मीनिंग ले रहा है जो आप उसको कहना चाह रहे हैं या वो कोई डिफरेंट मीनिंग ले रहा है। तो बार बार उसे कंफर्म करना जरूरी हो जाता है। तो सेकंड पार्ट हमारा आता है जी साइलेंट लैंग्वेज का। उसके अंदर सर्टन फैक्टर्स आ जाते हैं। कलर्स आर इम्पोर्टेंट। आप जब कम्युनिकेट कर रहे हैं दूसरे के साथ तो आपके पेज का कलर क्या है, आपने किस कलर की राइटिंग यूज की है, आपने अगर ईमेल की है तो उसके अंदर क्या कलर कॉम्बिनेशन रखा है, आपने जो एनवेलप भेजा है एनवेलप का कलर क्या था, आप अगर किसी को फूल भेज रहे हैं ग्रीटिंग के लिए वो फूल किस कलर के हैं, रिमेंबर दैट उन कलर्स का मीनिंग डिफरेंट कल्चर्स में डिफरेंटली दिया जाएगा। किसी कल्चर में वाइट फ्लावर्स जो हैं वो अमन की लामत होंगे, किसी डिफरेंट कल्चर में वो शोक की लामत होंगे, किसी तीसरे में वो फ्रेंडशिप की लामत होंगे। सो आपको कलर्स का मीनिंग उनके रिलेटिव कल्चर के कॉन्टेक्स्ट में समझने की जरूरत होगी। देन डिस्टेंस एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कम्युनिकेशन में कि जब आप दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं आपका उसके साथ कितना डिस्टेंस होना चाहिए। कुछ कल्चर्स ऐसे हैं कि जहाँ पर डिस्टेंस ज़्यादा डिस्टेंस को नेगेटिवली लिया जाता है कि वहाँ पे आप फासले पे रह के बात करें तो वो आपसे वो नेगेटिवली इंटरप्रेट करते हैं। फॉर एग्जांपल अरब कल्चर हो गया, मेक्सिको हो गया, हमारा ईस्टर्न कल्चर हो गया, यहाँ पे हम हैंडशेक से भी ज़्यादा जो ज़्यादा क्लोज रिलेशनशिप है वहाँ पे हम हग करने को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। और अगर कोई दूर से हमसे हाथ मिलाएगा तो हम ये समझेंगे कि वो प्राउड ही है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड अमेरिका के अंदर आप हग करने की कोशिश करेंगे तो वो आपको सू कर देगा कि आप जनाब उसकी पर्सनल बाउंड्री को वायलेट कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह बॉडी लैंग्वेज आपकी इम्पोर्टेंट है ऑब्वियसली। वो जो अभी वीडियो के अंदर बताया एक्सप्रेशन आपका इम्पोर्टेंट है, आपकी बॉडी लैंग्वेज इम्पोर्टेंट है। आप अगर बड़ी कोई एक्साइटमेंट न्यूज़ आके दे रहे हैं लेकिन आपका चेहरा उतरा हुआ है तो वो एक्साइटमेंट न्यूज़ का सारा एक्साइटमेंट रफा दफा हो जाएगा। इसी तरह जनाब आप अगर कोई दुखी खबर दे रहे हैं लेकिन आप किस स्माइल के साथ दे रहे हैं तो जिसको दुखी खबर दे रहे होंगे वो शायद आपके मुंह पे कुछ दे मारेगा। सो बॉडी लैंग्वेज आपकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। देन प्रेस्टीज एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि जब आप कम्युनिकेट कर रहे हैं किसी के साथ आपको दूसरे को कितनी रिस्पेक्ट देनी है, ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है। रिस्पेक्ट के लिए कौन से वर्ड्स चूज करने हैं वो इम्पोर्टेंट है। हर जगह पे सर नहीं चलता। आप यूके के लोगों के साथ कम्युनिकेट करते हैं उनको सर कहेंगे, वो इसको माइंड करेंगे क्योंकि उनके यहाँ सर हर किसी को नहीं बुलाया जा सकता, बल्कि उन्हीं को बुलाया जा सकता है जिनको क्वीन के तरफ से सर का टाइटल दिया गया है। तो वहाँ पे लोग मिस्टर कहलवाना प्रेफर करते हैं। तो आपको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि प्रेस्टीज का मतलब डिफरेंट कंट्रीज में क्या है। दैट वॉज ऑल फॉर बिहेवियरल कंपोनेंट्स और उनके डिफरेंट फैक्टर्स जो कल्चर के ऊपर आते हैं और कल्चर की वजह से जो डिफरेंट आपके बिजनेस डिसीजन के ऊपर इफेक्ट आता है उसका, ये हमारी डिस्कशन थी। आई होप कि आपको इसकी थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग होगी। और आपके जो भी क्वेश्चंस हों काइंडली वो गूगल क्लासरूम के अंदर पोस्ट करें ताकि हम उनको डिस्कशन में ला सकें। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।